मेष राशि, बड़ा परिवर्तन किसी की सलाह से ही करना है, अपनी कोई मनमर्जी मत करिए, नुकसान होगा। पुरानी समस्या की जो चिंता थी वो आज खत्म होगी। काला वस्त्र आज ना पहनिए, शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज पक्षियों को थोड़े से मूंग खिलाइए, भीगे हुए मूंग उन्हें डालिए, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, ऑफिस में अकारण बात बिगड़ सकती है, सिरदर्द की समस्या आज खत्म होगी। अपना काम स्वयं करने की आदत डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। आज माता पिता की सेवा जरूर करें। मिथुन राशि, दोपहर बाद शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ के संकेत बन गए हैं, धैर्य और शांति बनाए रखें। शुभ रंग है आपके लिए हरा, और आज हरी फल सब्जियों का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा होगा, नौकरी में कोई बदलाव मत कर लीजिएगा प्रेशर में आके। मीठे शब्दों का प्रयोग करें, शुभ रंग है आपके लिए पीला। सफेद चंदन थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। सिंह राशि, प्रेम संबंधों में आज सफलता आपको जरूर मिलेगी, अपने से बड़ों का सम्मान करें, मेहमान आने का योग बन चुका है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, क्या करें, शिवलिंग पर एक सफेद फूल अर्पित करिए, बिगड़े काम बन जाएंगे। कन्या राशि, पारिवारिक विवाद का आज निपटारा होगा, उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलने का योग नहीं है, मित्रों के साथ समय बीतेगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून, अपने गुरु की सेवा आज जरूर करिए। तुला राशि, समाज में लोगों से संबंध आपके बढ़ेंगे, यानी कि जो आपका दायरा है वो बढ़ जाएगा। रिश्तों में कोई लापरवाही ना करें, पिता की सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद, आज मीठी वस्तु का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, नया काम करने का प्रयास जरूर करिएगा, व्यापारिक यात्रा का योग टलेगा। उगते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, रुके काम बन जाएंगे। शुभ रंग है आपके लिए लाल, और आज बच्चों को मोदक या लड्डू जरूर खिलाइए। धनुराशि, पुराने मित्रों से आज मुलाकात हो सकती है, पिता को भूल कर भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जरूरतमंद की आज मदद कर दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, और आज के दिन हल्दी का दान जो है वो सर्वोत्तम होगा, आज करके देखिए इस उपाय को, लाभ मिलेगा। मकर राशि, ऑफिस का वातावरण एटमॉस्फेयर पहले से अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, धन का फायदा भी आप देखेंगे, रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ, आज पीपल के वृक्ष की सेवा जरूर करिए। कुंभ राशि, संपत्ति के मामलों में आज आपको सफलता भरपूर मिलेगी, घर का बना खाना खाइएगा, बाहर के खान पान से बचें, अपनों का साथ जरूर दें। शुभ रंग है आज के लिए सफेद, आज के दिन सात अनाज का दान जरूर करिए, और ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। मीन राशि, इंटरव्यू में आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना है, अपने गुरु का सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। शुभ रंग है आज के लिए सुनहरी, और आज थोड़ा सा पेठा दान कर देंगे तो दिन सफलता की ओर जरूर जाएगा। आइए मित्रों, बात करते हैं उस अचूक महा उपाय की जो आपको मालामाल बना सकता है। देखिए, दो गुड़हल के फूल भगवान गणेश को दाएं हाथ से अर्पित करिए, और एक गुड़हल का फूल उनके श्री चरणों से स्पर्श कराकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में धन की वृद्धि होने लगी है। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं उस अचूक उपाय की जो नौकरी और व्यापार की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकता है। एक जटा वाला आप नारियल लीजिए, शुद्ध हल्दी से उस नारियल पर आप स्वस्तिक बनाइए, भगवान गणेश को इस नारियल पर एक रुपए का सिक्का रख के आप अर्पित कर दीजिए, और अपने मन की कामना को उनके सामने कम से कम तीन बार दोहराइएगा, नौकरी की, व्यापार की, आजीविका की तमाम समस्याएं दिन प्रतिदिन कम हो जाएंगी। आइए मित्रों, बारी आ गई है उस अचूक उपाय की जो आपकी सेहत को हर तरीके से अच्छा करेगा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो भाई इनको कम करने के लिए बहुत सरल है, आपको कुछ खाना पीना नहीं है, शुद्ध बादाम के तेल की हल्के हाथ से आप वहां पर मालिश करिएगा, कुछ ही समय में आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा।
आइए मित्रों बात करते हैं उस अचूक महा उपाय की जो आपके दुख और कष्टों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है नेगेटिव एनर्जी से दूर रहे, हर परेशानी दुख संकटों से ना घेर पाए, तो ऐसे में शाम के समय गाय के गोबर का आप एक उपला लीजिए, उसे पकाइए यानी कि गैस पर उसका सारा स्मोक निकाल लीजिएगा और देसी घी एक चम्मच, थोड़ा सा गोलागिरी और थोड़ा सा सफेद चंदन के साथ उस पर देसी कपूर रखकर इसका स्मोक सारे घर में दिखाइएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर दिखाई देगा।